नारा लगाएंगे भाई लोगों, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सचिन पायलट जिंदाबाद। आवाज आनी चाहिए चारों तरफ से, ये आवाज ही पूरे जिले में जाएगी। सचिन पायलट जिंदाबाद, सचिन पायलट जिंदाबाद, रंधावा साहब जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद। मित्रों, बहुत खुशी का अवसर है ये। कांग्रेस सरकार ने किस तरह से जन जन की भावनाओं के अनुरूप काम करने की कोशिश की और 1825 दिन तक लगातार सारे मंत्रिमंडल के साथियों ने, विधायकों ने जोर लगा करके, चाहे 25 लाख रुपए का फ्री इलाज हो, चाहे 500 रुपए में गैस सिलेंडर हो, और सबसे बड़ी दौसा जिले के लिए शांति और अमन चैन की बात हो, इस 5 वर्षों में ना कोई गुंडागिर्दी हुई और ना कोई अशांति हुई। ये देन है तो कांग्रेस सरकार की देन है। मित्रों, सचिन पायलट साहब और गहलोत साहब ने मिलकर के जो इस प्रदेश को चलाया है, हम सबके लिए गौरव की बात है। मैं आज आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा, दौसा जिले में शांति और अमन चैन चाहते हैं तो दौसा से मुरारीलाल मीणा, बांदीकुई से गजराज खटाना जी, सिकराज से बहन ममता भूपेश जी, और परसादी लाल जी लालसोट से, और आपके लाडले विधायक ओम प्रकाश उड़ला को महुआ से जिताकर भेज दो, दौसा जिले में चारों तरफ शांति और अमन चैन रहेगा। आप सब जानते हैं, एक एक विधायक की गिनती होती है जब सरकार बनती है, और सरकार वो सरकार जो सभी जाति बिरादरी और धर्मों को साथ लेकर के चले, वो सरकार जो गरीब की चिंता करे, वो सरकार जो किसान के बिल की चिंता करे, ऐसी सरकार कांग्रेस की सरकार है। मित्रों, पूरे देश भर में माहौल बदल रहा है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सभी जगह कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी, आपके जिले की भागीदारी रहेगी। बस मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा और कांग्रेस पार्टी का जयकारा लगाएंगे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। धन्यवाद।